दिलचस्प खबरों को देखने के लिए MNS News चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार, MNS News Live देश और दुनिया की खबरों में मैं ललिता आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम आपको हिंगोली जिले के पवित्र तीर्थ क्षेत्र औंधा नागनाथ की खास जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में 12 ज्योतिर्लिंग में से 4 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, जिसमें त्र्यंबकेश्वर, भुजनेश्वर, पारली वैजनाथ तथा औंधा नागनाथ मंदिर है। औंधा नागनाथ मंदिर यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें स्थान का ज्योतिर्लिंग है, जिसकी महिमा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हर दंपति जीवन में संतान सुख पाने के लिए दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ हर एक दंपति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसके चलते भाविकों की बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए भीड़ लगती है। महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में आने वाली हिंगोली जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। औंधा नागनाथ यहीं पर स्थित है। ये मंदिर करीब 60,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर के चारों ओर कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जो बाकी ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप को दर्शाते हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ नंदी की मूर्ति आगे होने की बजाय पीछे की ओर है। हैरानी की बात यह है कि अन्य हिंदू मंदिर से अलग ये मंदिर पश्चिमी मुखी है। 13वीं सदी में बने औंधा नागनाथ मंदिर की वास्तुकला हेमंतपंती शैली, पत्थरों की दीवार और छतों पर हिंदू देवी देवताओं के नकाशे हैं। शेष कुंड और बहुकुंड नामक दो पानी के कुंड भी यहाँ स्थित है। मूल रूप में यह एक 7 मंजिला इमारत है, लेकिन औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल सेना के हमलों से इस मंदिर के ज्यादातर हिस्से नष्ट हो गए। दर्शकों नमस्कार, हम लोग हिंगोली का जो औंधा नागनाथ करके जो धार्मिक स्थल है, यह 8वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ हम आज मौजूद हैं और जैसा कि आज देख रहे हैं, नागपंचमी का त्यौहार है और नागपंचमी के त्यौहार को काफ़ी भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। जैसा कि आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो औंधा नागनाथ के जो द्वार है वो बंद है और कोरोना महामारी के चलते द्वारों को बंद रखा गया है, लेकिन भक्तों का जो सैलाब है वो बढ़ते हुए जा रहा है और भक्त काफ़ी संख्या में इस जगह आ रहे हैं। और यह 8वां ज्योतिर्लिंग है और उसी के चलते यहाँ काफ़ी भीड़ भी आ रही है और जो भक्त लोग हैं वो दर्शन जो पहली पायरी है, जो गेट का द्वार है, वहीं अपनी पूजा सामग्री छोड़े जा रहे हैं और नारियल वगैरह वहीं अर्पण किया जा रहा है और काफ़ी धार्मिक माहौल बना हुआ है। और कोविड महामारी के बाद का जो दौर है वो उसमें यहाँ काफ़ी जो भाविक लोग हैं वो दूर दूर से आकर दर्शन ले रहे हैं और आज नागपंचमी का त्यौहार में औंधा नागनाथ के दर्शन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन नीलेश पशिनी के साथ निशांत भाई, MNS न्यूज़ के लिए। किराया आपका 400 से 500 रुपए तक लगेगा और टैक्सी आपको औंधा नागनाथ मंदिर के परिसर के आसपास छोड़ देगी। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे करीब एयरपोर्ट है नांदेड़, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्शकों, ये थी आज की हमारी औंधा नागनाथ मंदिर की खास रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।